hi everyone welcome and welcome back to my channel so in this video i am going to discuss about classification of markets markets may be classified based on different dimensions as follow on the basis of location or place of operations so on the basis of location and place of operation there are village market primary market secondary wholesale market so let's get started अ मार्केट विच इज़ लोकेटेड इन अ विलेज ए स्मॉल विलेज वेर अ मेजर ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस अमोंग द बायर एंड सेलर ऑफ अ विलेज इज कॉल्ड अ विलेज मार्केट एक मार्केट जो छोटे गाँव में लोकेटेड रहता है वहाँ पर ज़्यादातर जो ट्रांजेक्शन होंगे बायर और सेलर के बीच में वो उसी गाँव के बायर और सेलर होंगे इस टाइप के जो मार्केटिंग होती है उसे विलेज मार्केट कहता है प्राइमरी मार्केट क्या है दिस आर द मार्केट लोकेटेड इन टाउन नियर द सेंटर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर कॉमोडिटी इन दिस मार्केट आ मेजर पार्ट ऑफ द प्रोड्यूर्स ब्राउड फॉर सेल बाय द प्रोड्यूसर ओके ये जो मार्केट है वो लोकेटेड होते हैं टाउन्स में टाउन्स के नज़दीक में जहाँ पे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन हो रहा है एंड मार्केट भी है उसी एरिया में कहीं है जो प्रोड्यूस होगा उसे बेचा जाएगा जो प्रोड्यूसर है वो सेल करता है अपनी चीज़ों को कंज्यूमर को जो भी कंज्यूमर आएंगे वहाँ फार्मर द एम सेल्फ ट्रांजेक्शन इन दिस मार्केट यूजअली टेक प्लेस बिटवीन द फार्मर एंड प्राइमरी ट्रेडर्स ओके तो फार्मर जो है खुद ही ये ट्रांजेक्शन करते हैं मार्केट में जनरली ये जो ट्रांजेक्शन होता है वो फार्मर और प्राइमरी ट्रेडर के बीच में होता है प्राइमरी मार्केट का मतलब क्या कि नॉर्मली ये लोकेटेड होता है टाउन्स के अंदर एंड uh, जो प्रोडक्शन हो रहा है एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ का वो टाउन में कहीं नज़दीक ही होता है तो मार्केट क्या होता है कि जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है उसके नज़दीक ही लगता है ताकि ज़्यादा पेरिशिबिलिटी के चांसेस ना रहे ज़्यादातर जो सामान हो खराब भी ना हो और इजीली मार्केट तक पहुँच जाए लोगों का जो डिमांड है वो कम्प्लीट हो जाए नेक्स्ट है सेकेंडरी होल मार्केट दिस मार्केट्स आर लोकेटेड जनरली एट ए डिस्ट्रिक्टडक्वाटर और इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर और रेलवे जंक्शन जो सेकेंडरी होल सेल मार्केट है वो ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट क्वार्टर्स में होते हैं अदरवाइज वो ट्रेड सेंटर में भी हो सकते हैं या फिर रेलवे जंक्शंस पर भी हो सकते हैं द मेजर ट्रांजेक्शन इज कॉमोडिटी इन दिस मार्केट टेक्स प्लेस बिटवीन द प्राइमरी विलेज ट्रेडर एंड होल सेलर ज़्यादातर इनका ट्रांजेक्शन जो है प्राइमरी विलेजर्स ट्रेडर्स और होल सेलर्स के साथ होता है द बल्क ऑफ अराइवल इन दिस मार्केट इज फ्राम अदर मार्केट

जो ट्रेड सेंटर होते हैं वहाँ हो सकता है या फिर रेलवे जंक्शंस पे हो सकता है ठीक है नॉर्मली ये जो मार्केटिंग होती है डायरेक्ट कंज्यूमर और जो प्रोड्यूसर उसके बीच में नहीं होता है नॉर्मली होता है प्राइमरी विलेज ट्रेडर्स के बीच में और होल के बीच में एंड इसमें बहुत बड़ी बड़ी एजेंसीज भी हैं जो अपना योगदान देती हैं और टर्मिनल मार्केट इज अ सेंट्रल साइट ऑफ एन इन अ मेट्रोपोलिटलिटन एरियाज नॉर्मली जो मेट्रोपॉलिटन एरियाज हैं वहाँ पे ये टर्मिनल मार्केट्स होते हैं डेट सर्व एज एन असम्बली एंड ट्रेडिंग प्लेस फॉर द कॉमोडिटी जो कि एक ऐसा प्लेस प्रोवाइड करती है जहाँ पे हम ट्रेड कर सकें अपनी कॉमोडिटी का टर्मिनल मार्केट फॉर एग्रीकल्चर कॉमोडिटी आर यूजली एट एंड नीयर मेजर ट्रांसपोर्टेशन हब्स जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हैं टर्मिनल मार्किट्स में उनका मेजर जो रोल होता है कि वो ट्रांसपोर्टेशन के हब्स के नज़दीक में होता है टर्मिनल मार्केट जो है वो ट्रांसपोर्टेशन हब्स के नज़दीक में ही होते हैं ताकि जो भी एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ है ईजी से ट्रांसपोर्ट कर सकें और टर्मिनल मार्केट इज़ एन ऑर्गेनाइज मार्केट इन अ सिटी टर्मिनल मार्केट एक ऑर्गेनाइज मार्केट होता है किसी भी सिटी के अंदर विच इन टू विच लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लाइक स्टॉक इट इज सी आर शिफ्ट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट इज एक टर्मिनल मार्केट ऑर्गेनाइज मार्केट होता है किसी भी सिटी में जिसमें लार्ज क्वांटिटी में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस या लाइफ स्टॉक को उसे शिप किया जा सकता है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और भी कई चीज़ों के लिए सो so, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें ही अभी हम बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन और प्लेस ऑफ ऑपरेशन में ही तो हमने डिस्कस किया विलेज मार्केट प्राइमरी मार्केट एंड एक था हमारा सेकेंड्री होलसेल मार्केट इसी में हमारा है मॉडर्न टर्मिनल मार्केट एंड सी बोर्ड मार्केट तो नॉर्मली हम इसमें पांच देख रहे हैं मॉडर्न टर्मिनल मार्केट सी बोर्ड मार्केट सेकेंडरी होलसेल मार्केट और विलेज मार्केट और प्राइमरी मार्केट तो अब देख लेते हैं मॉडर्न टर्मिनल मार्केट में द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉपरेशन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टेकन द इनिशिएटिव टू प्रमोट द मॉडर्न टर्मिनल मार्केट फॉर द फ्रूट वेजिटेबल एंड अदर पेरिशेबल कॉमोडिटी इन इम्पोर्टेंट अर्बन सेंटर ऑफ द कंट्री दिस टर्मिनल मार्केट आर Invited to operate and a hub and spoke format where the terminal market is investigate to operate on a hub and spoke forms where the terminal market is a link of a number of collection centres to allow easy access to farmer and marketing of their produce. These markets are to be built owned and operated by either a corporate, private, and cooperative entity. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च अ स्कीम अंडर सब्सिडीज इज अवेलेबल अप टू ट्वेंटी फाइव परसेंट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर टर्मिनल मार्केट विदिंग लिमिटेड ऑफ रुपीज फिफ्टी लैक फॉर द प्राइवेट एजेंसी ओके सो मॉडर्न टर्मिनल मार्केट का मतलब ये हो गया कि एक प्लेस जो सिटी के क्लोज में होगा जहाँ पे उसके ही नज़दीक में जहाँ पे जो एग्रीकल्चर कॉमोडिटीज़ जो है उगाई जा रही हैं तो जो चीज़ें इसे बेकार हो जाएंगी बहुत जल्दी जैसे लाइक फ्रूट वेजिटेबल है वो सेवन डेज से या फिर फोर फाइव डेज से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते हैं तो इनके लिए मॉडर्न टर्मिनल मार्केट जो है बनवाए गए हैं जहाँ पर जो हमारा फार्मर है वो ईज़िली अब एक सेंटर खोल सकता है या फिर बोल सकते हैं कि सुपर मार्केट्स होते हैं सुपर मार्केट्स में जहाँ ईज़िली मिल जाते हैं वेजिटेबल फ्रूट्स ये सारी चीज़ें तो वैसे ही करके मॉडर्न टर्मिनल मार्केट्स होते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट जो है सब्सिडी भी दे रही है ट्वेंटी फाइव परसेंट का इन चीज़ों के लिए एंड फिफ्टी लाख रुपीस भी दे रही है प्राइवेट एजेंसीज को ताकि टर्मिनल मार्केट ओपन कर सकें एंड uh, जो मॉडर्न टर्मिनल मार्केट्स हैं ये नॉर्मली आते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएट किया था सी वुड मार्केट क्या है सी वुड मार्केट मीन्स कोस्टल एरिया वाले मार्केट मार्केट विच आर लोकेटेड नियर द सी वोड वो मार्केट जो सी वोड के नजदीक में लोकेटेड होते हैं एंड मिनट मनली फॉर द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स आर नोन एज द सी वोड मार्केट नॉर्मल सी मीन समुद्र समुद्र के किनारे पे जो मार्केट होते हैं ये नॉर्मली इसलिए होते हैं ताकि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट किया जा सके जो भी गुड्स हैं उनका तो सी वोड मार्केट यही है ओके okay? तो हमने पांच चीज़ें देखी हैं लोकेशन और ऑपरेशन के बेस पे विलेज प्राइमरी सेकेंड सी मार्केट सेकेंडरी होलसेल मार्केट एंड मॉडर्न टर्मिनल मार्केट ओके okay. सो so, अब हमें देखना है अगला हमारा क्लासिफिकेशन है कवरेज या फिर बेसिस ऑफ एरिया बेस के बेस पे। ऑन द बेसिस ऑफ एरिया एंड कवरेज के बेस पे लोकल और विलेज मार्केट अ मार्केट वेयर बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज आर कन्फाइंड अमोंग द बायर एंड सेलर बिलोंग्स टू द सेम विलेज एंड नियर बाई विलेज एक मार्केट जहाँ पे बाइंग और सेलिंग की जो एक्टिविटी है वो कन्फाइंड होती है बायर और सेलर से एक किसी भी एक विलेज में एंड नियर बाय द विलेज दिस मार्केट यूज एग्जिस्ट फॉर द पेरिशियबल कमोडिटी इन अ स्मॉल लॉट ओके सो लोकल मार्केट या विलेज मार्केट इसमें भी विलेज मार्केट बेसिस ऑफ एरिया और कवरेज में है पहला लोकल मार्केट बोलेंगे या विलेज मार्केट बोलेंगे लोकल का मतलब क्या है कि जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है वहीं पे सेलिंग भी की जा रही है किसी भी एक ही विलेज के अंदर में बाइंग और सेलिंग की एक्टिविटी की जा रही है ताकि जो भी हमारे पैरचिएबल कॉमोडिटीज़ हैं उसे थोड़े ही से, से लॉट में वहीं पे बेच के ख़त्म कर दिया जाए रीजनल मार्केट क्या होता है अ मार्केट इन विच अ बायर एंड सेलर फॉर अ कॉमोडिटी आर ड्रॉन फ्रॉम अ लार्ज एरिया दैन अ लोकल मार्केट रीजनल मार्केट इन इंडिया यूजली एग्जिस्ट फॉर द गुड ग्रेन्स सॉरी फूड ग्रेन्स या रीजनल मार्केट का मतलब हुआ कि कोई वैसा एरिया जहाँ पे इंडिया का कोई भी ऐसा एरिया है जहाँ पे फूड ग्रेन्स के लिए या फिर कोई लोकल मार्केट लगाया जाता है एक लार्ज लेवल में ठीक है लोकल मार्केट या विलेज मार्केट में हमने क्या देखा कि स्मॉल लॉट में हम काम को ख़त्म कर देते हैं जस्ट लाइक like, उसका कुछ दूरी का जो जगह है सिक्स बाई सिक्स का जगह लिया उतने उसने बेच के ख़त्म कर दिया बट रीजनल मार्केट में क्या होता है कि जो जो मार्केट होते हैं थोड़े से बड़े होते हैं लोकल के कंपैरिजन में वो थोड़े लार्ज होते हैं और लार्ज एरिया में नहीं किया जाता है बाइंग और सेलिंग थोड़ी लार्ज लेवल पर होती है नेशनल मार्केट क्या होता है इन नेशनल मार्केट बायर एंड सेलर आर स्प्रेड एट ए नेशनल लेवल बायर और सेलर जो है नेशनल लेवल में फैले होते हैं अर्लियर नेशनल मार्केट एग्जिस्ट फॉर ओनली ड्यूरेबल फू गुड्स लाइक जूट एंड टी बट विद द एक्सपेंशन ऑफ द रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी द मार्केट फॉर मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर कम्योडिटी हैव टेकन फ्रॉम द नेशनल मार्केट नेशनल मार्केट का मतलब कि किसी भी नेशन के एक अलग अलग प्लेस पर भी रहते हुए बाइंग और सेलिंग का प्रोसेस जो है चल रहा है नेशनल मार्केट एग्जिस्ट करता है उन चीज़ों के लिए जो लंबे टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं जैसे लाइक जूट हो गया टी हो गया और भी बहुत सारी चीजें हैं लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारा जो कंट्री है यहाँ पे रोड ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जो फैसिलिटी है और भी अच्छी होते जा रही है इसलिए और भी एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ को हम एक नेशन से दूसरे नेशन तक पहुँचा सकते हैं नेक्स्ट है वर्ल्ड और इंटरनेशनल मार्केट अ मार्केट इन विच द बायर एंड सेलर आर ड्रॉन फ्रॉम मोर देन वन कंट्री और टू द होल वर्ल्ड दीज मार्केट एग्जिस्ट इन अ कॉमोडिटी विच हैव वर्ल्ड वाइड डिमांड एंड सप्लाई सच एज कॉफी मशीनरी गोल्ड सिल्वर इट इज एन इन रिसेंट ईयर मेनी कंट्रीज आर मूविंग टू यार्स अ रीजिंग ऑफ लिबरल इंटरनेशनल ट्रेड इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लाइक रॉ कॉटन शुगर राइस एंड व्हीट ओके सो इंटरनेशनल मार्केट की बात कर रहे हैं ये एक मार्केट है जहाँ पर बाइंग और सेलिंग की जाती है हमारे जो भी हमारे कॉमोडिटीज़ हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री या फिर एक कंट्री से वर्ल्ड के किसी भी कोने में जो कि वर्ल्ड वाइड हो रहा है यहाँ पे नॉर्मली हम कॉफ़ी का मशीनरी का गोल्ड का सिल्वर का ऐसी चीज़ों का हम सप्लाई कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे जस्ट लाइक रॉ कॉटन हो गया शुगर हो गया राइस हो गया व्हीट हो गया तो ये सारी जो चीज़ें हैं हमारे वर्ल्ड या फिर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आ रही हैं नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ टाइम स्पेंड तो हमने अभी देखा है क्या क्या एक तो था हमारा लोकेशन दूसरा है एरिया और कवरेज एंड तीसरा है हमारा टाइम स्पैन लोकेशन में हमने देखा था विलेज मार्केट प्राइमरी मार्केट देन सेकेंडरी होलसेल मार्केट सीबोर्ड मार्केट मॉडर्न टर्मिनल मार्केट नेक्स्ट था हमारा एरिया एंड कवरेज के बेस पे जिसमें था लोकल रीजनल नेशनल इंटरनेशनल मार्केट हमने देखा एंड अब है हमारा टाइम स्पैन के बेस पे मतलब कि अगर कोई मार्केट जो है एक दिन के लिए लगता है कुछ मार्केट हमेशा उस एरिया में लगे रहते हैं कुछ मार्केट जो है कुछ घंटों के लिए लगता है कुछ मार्केट जो है मतलब कि टैम परमानेंटली उधर ही हैं तो वैसे वैसे चीजों का जो है वहाँ पर भी डिवीज़न होता है ठीक है तो देख लेते हैं कि ऑन बेसिस ऑफ टाइम स्पेंड क्या है शॉर्ट पीरियड मार्केट द मार्केट विच आर हेल्ड ओनली फॉर अ फ्यू आर डे फ्यू आवर्स आर कल्ड शॉर्ट पीरियड मार्केट वो मार्केट जो कुछ घंटों के लिए कुछ दिनों के लिए लगता है सो द प्रोडक्ट डील विथ विद इन दीज मार्केट्स आर ऑफ अ हाई पेरिशियबल नेचर इसमें जो प्रोडक्ट्स होते हैं बहुत ही जल्दी खराब होने वाले प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि फिश मार्केट हो गया एंड मिल्क uh, जो भी लिक्विड मटेरियल हो गए वो हो गया या फिर वेजिटेबल्स uh, हो गए फ्रूट्स हो गए इन दिस मार्केट प्राइजेस आर गवर्न मेनली बाई दफ डिमांड रेदर दैन द सप्लाई ऑफ द कॉमोडिटी यहाँ पे सारी जो प्राइस जो है डिमांड कर मतलब प्राइस जो है किसी भी कॉमोडिटी का वो डिपेंड करता है कि डिमांड क्या है और ये सप्लाई है कॉमोडिटी की जो उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग ही होता है प्रोडक्ट मार्केट क्या होता है अ प्रोडिक्ट मार्केट आर कंग्रेगेशन ऑफ बायर एंड सेलर एट अ स्पेसिफाइड प्लेस आइदर इन अ विलेज सेमी अर्बन एरियाज और सम पार्ट्स ऑफ द अर्बन एरिया और स्पेसिफिक डेज एंड टाइम्स दिस मार्केट आर हेल्ड वीकली बाय वीकली फोर्टनाइट और मोस्ट मंथली अकॉर्डिंग टू द लोकल ट्रेडिशन ओके प्रोडक्ट मार्केट का मतलब क्या है कि किसी भी एक स्पेसिफिक uh, टाइम के लिए लगता है जैसे लाइक like, uh, कुछ वीक्स के लिए लग सकता है या फिर uh, कुछ मंथ्स के लिए लग सकता है या फिर किसी स्पेसिफिक मंथ में ही लगता हो वैसे करके इसे प्रोडक्ट मार्केट कहते हैं जहाँ पे ये जो मार्केट है नॉर्मली विलेज में या फिर सेमी अर्बन एरियाज में ही लगता जाता है कुछ खास दिनों के लिए लगता है ओके सो लोकल पीरियड मार्केट क्या होता है दीज मार्केट्स आर हेल्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड दैन द शॉर्ट पीरियड मार्केट जो शॉर्ट पीरियड मार्केट है उससे कुछ ज्यादा दिनों तक के लिए ये मार्केट लगता है द कॉमोडिटीज ट्रेड इन दिस मार्केट आर लेस पेरेशिएबल ये जल्दी खराब होने वाली चीजें नहीं होती है इसे हम स्टोर करके रख सकते हैं फॉर सम टाइम कुछ टाइम के लिए फूड ग्रेन्स और ऑयल सीड्स जैसे हो गए एंड द प्राइस आर गवर्न बोथ बाय द सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस एंड ये जो प्राइस इनका फ्लक्चुएशन जो होता है वो सप्लाई और डिमांड पर डिपेंड करेगा सो so नेक्स्ट इसी में है सेकुलर मार्केट दिज आर द मार्केट फॉर परमानेंट नेचर जो चीज़ें जो है हमेशा के लिए रहने वाली हैं जस्ट लाइक मशीनरीज हो गई जो कि सालों साल ऐसे ही नॉर्मल रहेगा नॉर्मल ही तो उसे सेकुलर मार्केट कहते हैं द कमोडिटी ट्रेड इन दिस मार्केट आर ड्यूरेबल जो भी कॉमोडिटी रहेगी वो बहुत लंबे टाइम तक चलेगी एंड उसे स्टोर करके भी रख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं तो मशीनरीज हैं या फिर कोई भी मैनुफैक्चर गुड्स हो गए तो उसे हम नॉर्मली डा टाइम के लिए रख सकते हैं संभाल के ओके okay. तो हमने टाइम ऑफ स्पेंड के में देखा है सेकुलर मार्केट लॉन्ग पीरियड मार्केट शॉर्ट पीरियड मार्केट एंड प्रोडक्ट मार्केट नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन में होलसेल मार्केट रिटेल मार्केट एंड इसके बाद भी इनका कुछ थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन भी है जस्ट लाइक रेगुलेटेड मार्केट हो गया एंड अनरेगुलेटेड मार्केट हो गया तो ये सारी चीज़ें जो है हमें इसमें कवर कर लेनी है तो ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन तो होल मार्केट इज़ वन इन विच द कॉमोडिटीज़ अ ब्राउट एंड सोल्ड इन अ लार्ज लॉट्स और इन अ बल्क दिस मार्केट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्मिनल होल मार्केट होल मार्केट में जो कॉमोडिटीज होती हैं वो बहुत ही लार्ज अमाउंट में होती हैं बल्क में होती हैं एंड इन मार्केट को जो क्लासीफाई किया जाता है प्राइमरी में सेकेंडरी में टर्मिनल होल सेल में जो कि हमने फर्स्ट में पढ़ा है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन वाले में एंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन के बेस में था ये तो प्राइमरी भी पढ़ा हमने टर्मिनल भी पढ़ लिया है सो रिटेल मार्केट क्या होता है रिटेल इज़ द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम बिजनेस टू एंड यूजर रिटेल क्या होता है कि जो भी गुड्स हैं उसे सर्विस से जो कंज्यूमर है वहाँ तक पहुँचाना एंड द रिटेलर परचेज द गुड फ्रॉम द होल सेल मार्केट जो भी हमारे रिटेलर्स होते हैं वो होल सेल मार्केट से गुड्स को खरीदते हैं एंड उसे सेल करते हैं छोटे छोटे जो भी कंज्यूमर्स हैं हमारे उन्हें सो रिटेल मार्केटिंग इज द प्रोसेस बाई विच द रिटेलर्स प्रोमोट द अवेयरनेस एंड इंटरेस्ट ऑफ देयर गुड्स एंड सर्विसेज इन एन एफर्ट टू जनरेट द सेल फ्रॉम देयर कंज्यूमर एंड द क्वालिटी ट्रांजेक्ट इन द रिटेल मार्केट इज जनरली स्मॉलर दैन द होल सेल मार्केट सो हम क्वान्टिटी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर हमने देखा कि होल सेल मार्केट में बहुत ही लार्ज में बहुत ही बल्क में चीज़ों को जो भी कॉमोडिटीज़ हैं उसे ली जाती हैं बट रिटेल में क्या होता है कि उन चीज़ों को बहुत ही थोड़े थोड़े अमाउंट में चंक्स में लिया जाता है एंड कंज्यूमर तक पहुंचाया जाता है अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर ओके सो अब हमारा नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ पब्लिक इंटरवेंशन हमने दो तीन कवर कर लिया है जस्ट लाइक टाइम ऑफ स्पेंड कवर कर लिया था एंड इसके पहले हमने कवर किया प्लेस और ऑपरेशन के बेस पे साथ में एक को हमने कवर किया है एरिया और कवरेज के बेस पे एंड अभी हमने इस uh, कवर किया वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन के बेस पे अब है टाइम एक्सटेंट ऑफ पब्लिक इंटरवेंशन जिसमें है रेगुलेटेड मार्केट एंड अनरेगुलेटेड मार्केट तो पब्लिक इंटरवेंशन के बेस पे जो है रेगुलेटेड मार्केट इसमें दिज आर दिज सॉरी दिज आर दोज मार्केट इन विच बिजनेस इज डन इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्म्ड बाई द सेचूरेटरी मार्केट ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट सेक्शन इन्वॉल्व इन द मार्केट द मार्केट कॉस्ट इन सच मार्केट आर स्टैंडर्डाइज एंड मार्केटिंग प्रैक्टिस आर रेगुलेटेड ओके सो रेगुलेटेड मार्केट में क्या होता है ये वैसे मार्केट है जिनके अंदर बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन बने हुए हो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन जो भी मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन है उनके थ्रू एंड इनमें जो प्राइस का फ्लक्चुएशन होने का कोई चांस नहीं होता है. जो प्राइस जो बिल्कुल स्टैंडर्ड होते हैं एंड मार्केटिंग प्रैक्टिस जो इसमें रेगुलर होती है अनरेगुलेटेड और इनफॉर्मली रेगुलेटेड मार्केट में क्या होता है इन अनरेगुलेटेड मार्केट बिजनेस इज कंडक्टेड विदाउट एनी से कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है ट्रेमेंडस फ्रेम फ्रॉ द रूल्स फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस एंड रन द मार्केट ये खुद से जो मन से रूल्स बनाते हैं एंड बिजनेस को रन करते हैं दिस मार्केट सफर फ्राम मेनी इल्स इन बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं क्योंकि कोई रूल कोई रेगुलेशन तो है नहीं रेंजिंग फ्रॉम द अनस्टैंडर्डाइजेशन चार्जेस फॉर द मार्केटिंग फंक्शन टू इम्परफेक्शन इन डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइजेस एंड इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जैसे मार्केटिंग में जो चार्जेस होते हैं इनमें फ्लक्चुएशन आता है एंड इम परफेक्शन आता है प्राइजेस के अंदर में और भी बहुत सारी चीजें तो हमने दो तीन नहीं बहुत सारे मार्केट्स के बारे में पढ़ा जस्ट लाइक like, uh, अभी हमने था, पढ़ा था पब्लिक इंटरवेंशन जिसमें रेगुलेटेड अनरेगुलेटेड पढ़ा दैन इससे पहले पढ़ा था मैंने वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन जिसमें होलसेल मार्केट रिटेल मार्केट पढ़ा दैन ऑन द बेस ऑफ टाइम स्पैन पढ़ा जिसमें शॉर्ट पीरियड पीरियड मार्केट सॉरी प्रोडिक्ट मार्केट लॉन्ग पीरियड मार्केट सेकुलर मार्केट एंड हमारा एक और था ऑन द बेस ऑफ एरिया एंड कवरेज जिसमें था लोकल मार्केट विलेज मार्केट रीजनल मार्केट नेशनल मार्केट इंटरनेशनल मार्केट या फिर वर्ल्ड मार्केट एंड इसके पहले था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस एंड ऑपरेशन जिसमें पढ़ा हमने विलेज मार्केट प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी होलसेल मार्केट एंड मॉडर्न टर्मिनल मार्केट तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं सो थैंक्स फॉर वॉचिंग लव यू ऑल बबाई नेक्स्ट वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर